गाइस, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, क्योंकि मैंने उसी के बेस्ड पे कोलोजी के वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपको उसका पैटर्न, उसका क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको कोलोजी तो ऐसे ही ईजी चला जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके अपने फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली पहले हम पेपर पैटर्न पता कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हमने पढ़ाई किया ही नहीं है, है ना। बिफोर लॉकडाउन हम थोड़ा पढ़ाई करते थे। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और हम सभी को पैटर्न भी नहीं पता, क्वेश्चन भी नहीं पता। तो जिन्होंने पढ़ाई किया तो उनको तो चलो पैटर्न पता होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं सारी चीज़ें फिर से समझा रहा हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, डिफाइन एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग टर्म विथ 2 एग्जांपल्स आउट ऑफ 12, ईच कैरीज 2 मार्क्स, दैट इज 16 मार्क्स। गाइस, आपको टोटल 12 में से 8 डेफिनेशन लिखना पड़ते विद एग्जांपल्स, और एक डेफिनेशन कैरी करता है 2 मार्क्स, तो टोटल हो गया 16 मार्क्स। गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोलोजी में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अपने लॉजिक लगा के, अगर अपने प्लान करके पढ़ाई किया तो। क्योंकि देखिए, इसमें आठ कोई भी 8 डेफिनेशन आ सकते हैं और आप लोग को सिर्फ मॉडल आंसर के डेफिनेशन देखने हैं, और डेफिनेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जितने भी डेफिनेशंस हैं समर और विंटर के, 17, 18, 19 के, एक बार सिर्फ जस्ट गो थ्रू करिए और उसके दो एग्जाम्पल्स जो आपको ईजी लगते हैं वो लर्न कर लीजिए, तो आपको ये 16 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, ईच कैरीज 3 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स। आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। ऐसे आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हैं। बट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, गिव रीजन अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6 एंड ईच कैरीज 4 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स। गाइस, लॉजिक लगाओ कि अगर अपने गिव रीजन 4 सॉल्व किए आपको मिलते हैं 16 मार्क्स, अपना डेफिनेशन 8 सॉल्व किए आपको मिलते हैं 16 हो गए 32 मार्क्स। तो गाइस, जब आपको 32 मार्क्स मिल जाते हैं तो बाकी के क्वेश्चन में सब कुछ लिख के तो ऐसे ही पास हो जाओगे। बट मैं चाहता हूँ कि कोलोजी आप अच्छे से अच्छे स्कोर करो, इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में कि अगर आपने उसे समझा और उसने अगर आपने उतना भी प्रिपेयर किया तो आपको आराम से मोर देन 60 मार्क्स तो आराम से लिख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 4 वाला, इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं हमने इस वीडियो में बताया है तो वो भी हम जरूर देखेंगे। तो गाइस, जैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 4 में आपको 2 क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन के दिखे जाते थे केमिस्ट्री में, इवन कोलोजी में भी ऐसा, आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्लासिफिकेशन आपको दिखेंगे। तो कुछ सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन मैंने बताए हैं जो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, हाँ, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो, डिफाइन एंड क्लासीफाई हेमेटेनिक्स विद एग्जाम्पल, क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक, एंटी कैंसर ड्रग्स। देखो गाइस, एंटी कैंसर ड्रग ये बहुत बार एग्जाम में पूछा और मुझे लगता है इस बार भी पूछा जाएगा। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी बोला तो वो कैंसर का ड्रग हो गया, और साइटोटॉक्सिक एजेंट भी बोला तो वो भी एंटी कैंसर ड्रग हो गया। तो ये क्वेश्चंस ध्यान में रखते हुए करना। और एंटी हाइपरटेंसिव, गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये एंटी कैंसर, एंटी हाइपरटेंसिव बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आ सकता है। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। इवन पैरासिम्पैथोमिमेटिक, इवन एडिनर्जिक के क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये हिप्नोटिक्स और सीडेटिव के ऊपर भी बहुत बार क्लासिफिकेशन पूछे गए। तो ये सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन भी अगर आप करते हो तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपेरेशन हो जाएगा। 9, डिफाइन डायरिया, क्लासीफाई एंटी डायरियल ड्रग, ओके, उसका मैकेनिज्म। डिफाइन एंड क्लासीफाई एपिलिप्सी, गाइस एपिलिप्सी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो प्लीज़ उसको भी अच्छे से करो। डायोरेटिक्स और उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत बार पूछा गया है। जनरल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल एंड एंटी अस्थमेटिक एजेंट भी पूछा गया है। तो गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने टोटल 13 क्लासिफिकेशन दिए हैं, अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया तो मैं बोलता हूँ कि इसमें से सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन आएंगे और आप उसमें से अच्छे से लिख सकोगे।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 4 में क्या क्या सकता है। आपको आएगा ड्रग ऑफ चॉइस, मेंशन ड्रग ऑफ चॉइस, ओके, ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज बताना पड़ेगा, नेम द ड्रग प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग इफेक्ट, कोई ड्रग ले रहे तो वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो अगेंस्ट क्या इफेक्ट शो कर रहा है, एंटीडोट और यूजेस ऑफ ड्रग। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना दोस्तों, मैंने क्या प्लान किया, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले मैं एक ऐसे वीडियोस बनाऊंगा फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सारे को मैं वीडियोस में डाल दूंगा, तो जिसके वजह से आप एग्ज़ाम से पहले अगर वो वीडियो को देख लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी भी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गिव रीज़न जो मैंने आपको बोला 16 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, तो इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड गिव रीज़न बोले हैं, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 16 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। अभी देखो इसमें क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजाइन इज कॉल्ड लार्जेक्टिल, एफिड्रिन इज यूज एज ए माइड्रेटिक इन एल्डरली पीपल। अभी देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, अगर आपका कोलोजी का प्रैक्टिकल हुआ रहता तो आपका प्रिपेरेशन और अच्छे से हो जाता। लिवोडोपा इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा, डिजिटिलिस इज कॉल्ड कार्डियोटोनिक, लैक्टोबैसिलस इज गिवन विद सम एंटीबायोटिक, इंसुलिन इज नॉट गिवन ओरली, इन ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट ड्रग कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड दैन सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट, चीज एंड बटर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द MAO इनहिबिटर थेरेपी। गाइस जितने भी 8 है और उसके आगे ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंट वुमन एंड चिल्ड्रन, यूज ऑफ पर्गेटिव इज एसेंशियल विद पिपरेजन, एस्पिरिन इज नॉट गिवन इन पेप्टिक अल्सर, एस्पिरिन वाला प्लीज करके रखो, इवन 39, 14 जो मैंने बोला वो भी करके रखो। गाइस अगर अपने ये 14 गिव रीजंस भी कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो मैं आपको बोलता है डेफिनेशंस के लिए आप मॉडल आंसर्स रेफर कर लो, प्रॉपरली देख लो अच्छे से, और एग्जांपल्स दो लर्न कर लो तो वो 16 मार्क्स मिलेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं, गिव रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी गिव रीजन हैं मॉडल आंसर में जैसे दिए हुए, अगर वो छोटे 3-4 लाइन के दिए हुए तो वही लर्न कर लो, उतना ही सफिशियंट, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लो। ओके अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में आपको नजर आएंगे, जैसे कि डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट इन शॉर्ट अबाउट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। प्लीज़ दोस्तों ये क्वेश्चन को अच्छे से करना। इवन उसके नीचे वाला डिफाइन ऑटोकॉइड्स, एक्सप्लेन ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका किसका आपको करना है, एस्पिरिन और एड्रेनालिन का करके रखो। मेंशन डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गाइज ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन दिखेगा और बाद में लिखा रहेगा राइट द यूजेस ऑफ इन विट्रो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगल रूट, मतलब आपको जो रूट ले रहे हो, जो रूट से आप ले रहे हो उसका यूजेस क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग भी अच्छे से करना। उसके बाद कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जैसे कि इसमें बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग हो गया, बेलाडोना पॉइजनिंग हो गया, ये पॉइजनिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पक्का दिखने वाले हैं दोस्तों। व्हाट आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक, हाउ डज पैथिडिन डिफर फ्रॉम मॉर्फिन, ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन, एस्पिरिन एड्रेनालिन और इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर आपको पक्का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से करके रखना। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग, ये करके रखो, बेलाडोना पॉइजनिंग भी आ सकता है। डायबिटीज़ के ऊपर आपको या तो क्लासिफिकेशन आएगा दोस्तों, या तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन सल्फोनेट यूरियस एंड बाइकोनेट्स क्या है, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है सल्फोनामाइड पेनिसिलिन एंड डिजिटिलिस का, डिफरेंस बिटवीन आपको दो चीज़ का करना है, ड्रग हैबिचुएशन एंड एडिक्शन का एंड कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का। आपको 16 और 17 क्वेश्चन जो है ये आपको विंटर 19 में मिल जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मस्कुलिन एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन और एक्सप्लेन डेल्स वेसोमोटर, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए,
और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से रेफ़र करो, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस निकाले हैं ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके निकाले हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और गाइस थोड़े दिनों में मैं बाकी वीडियोज़ भी दे दूँगा। थैंक यू।